नमस्कार, मैं हूं सपना दानू। हमने जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर कदम बढ़ाया है, ठीक उतनी ही तेजी से हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो रहे हैं। सोशल नेटवर्किंग से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, यहाँ तक कि ऑनलाइन जॉब भी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। आज के इस दौर में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं इंटरनेट के विकास और इसके बेनिफिट के साथ साइबर क्राइम काफ़ी तेजी से विकसित हुआ है। हर दिन साइबर क्राइम के कई केस दर्ज होते हैं और हम आए दिन इससे जुड़े किस्से सुनते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे हम साइबर क्राइम के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं। भारत में आपने ऑनलाइन फ्रॉड के बहुत सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन आज जो खबर हम आपके लिए लाए हैं वो भारत से नहीं बल्कि मीलों दूर ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया में एक परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर हर कोई दंग रह गया है। ये खबर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की है, जहां एक दंपति के एक झटके में करोड़ों रुपए गायब हो गए। हैरानी की बात यह है, इतनी बड़ी रकम की चपत उनको सिर्फ एक मेल से लगी। खबरों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी निवासी कैजी और उनकी पत्नी डेनिस एविल्स अपना खुद का घर खरीदने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी। लेकिन एक मेल ने उनके सपनों के आशियाने को पलक झपकते ही तोड़ दिया। दरअसल कैजी और डेनिस को जो मेल किया गया था वो फ्रॉड था, जिसकी भनक उनको बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि ये मेल उनके वकील के नाम से किया गया था। साथ ही मेल में उनकी सारी पर्सनल डिटेल थी। ईमेल में न केवल उनके वकील के नाम और कंपनी का इस्तेमाल किया गया था, बल्कि उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की भी डिटेल थी जिसमें दोनों के साइन किए हुए थे। ऐसे में जब मेल पर घर के पेमेंट के लिए कहा गया तो दंपति ने कॉमनवेल्थ बैंक में सारे रुपए ट्रांसफर कर दिए। लेकिन जब दंपति ने अपने वकील को फोन कर बताया कि उन्होंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो उसका जवाब सुन उन दोनों के होश उड़ गए। दरअसल वकील ने कहा कि उन्होंने ना तो कोई मेल भेजा और ना ही पैसे ट्रांसफर करने की बात कही। इतना सुनते ही कैजी और डेनिस को समझ आ गया कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। खबरों के मुताबिक दोनों ने मनी ट्रांसफर करने के कुछ ही देर बाद बैंक को सूचना दे दी थी, जिसके बाद बैंक कर्मियों ने उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। हालांकि अभी तक उनकी रकम वापस नहीं आई है। कैजी और डेनिस ने पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दे दी है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है, लेकिन आप सतर्क रहें क्योंकि साइबर फ्रॉड कहीं भी और कभी भी हो सकता है।